हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक टू लिव में। आज मैं आप लोगों के लिए एक और स्नैक की रेसिपी लाई हूँ, चटपटी मसालेदार इडली। इडली हम खाते ही रहते हैं, लेकिन इसको मैंने बहुत चटपटा और मसालेदार बनाया है। कभी बारिश का मौसम हो या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो तो हम ये इसको बना के खा सकते हैं। टिफिन में भी ले जा सकते हैं, शाम की चाय के साथ बहुत अच्छी लगेगी और बहुत मजा आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे जरूर बनाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। आइए हम अपने मसालेदार इडली बनाते हैं। उसके लिए 2 कप इडली का बैटर एक बाउल में लेंगे। अगर इडली का बैटर घर में नहीं हो तो हम इसको सूजी और दही से भी बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छी बनेगी। वैसे हम सूजी की रवा इडली बनाते ही है, तो उससे आप बना सकते हैं। बैटर में 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और फिर इनो डालकर हल्का सा पानी डालेंगे जिससे इनो एक्टिवेट हो जाए। इडली के मोल्ड्स को ग्रीस कर लेंगे और उसमें इडली का बैटर डाल देंगे। स्टीमर में नीचे पानी डालकर गर्म होने रख देंगे और बैटर डालने के बाद इडली के प्लेट्स को स्टीमर में लगा के 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। अब हम इसमें डालने के लिए एक सूखा मसाला बनाएंगे, जिसके लिए चने की दाल, उड़द की दाल और तिल तीनों को एक पैन में लेकर रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद मिक्सी में ट्रांसफर कर देंगे और ठंडा होने देंगे। तब तक उसी पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। गरम तेल में राई को तड़काएंगे और थोड़े करी पत्ते डालेंगे और फिर इनको भी हम मिक्सी में डाल देंगे। इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। पैन में वापस थोड़ा तेल गरम करेंगे और राई और करी पत्ता और उड़द की दाल तीन चीज डाल के वापस भूनेंगे। इनके भून जाने के बाद हम थोड़े काजू के टुकड़े भी डालेंगे और उनको भी रोस्ट कर लेंगे। इन बिटवीन हमारी इडली सिककर तैयार हो गई है, उसको हम निकाल कर ठंडा होने रख देंगे और इसका फाइनल मसाला छौंक कर तैयार करेंगे। उसके लिए हम 1 बड़ा चम्मच बटर पैन में डालेंगे और राई डाल के तड़काएंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें और करी पत्ते डालकर भून लेंगे। इसके बाद चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे और उनको अच्छी तरह से मिक्स करके कुक होने देंगे। इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और टमाटर को मशी होने तक पकाएंगे। हमने जो ड्राई मसाला ग्राइंड किया था उसको डालेंगे और काजू वाला मसाला भी डाल देंगे। उसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी, हल्दी, मिर्च और नमक सब डालकर मिला लेंगे। सभी इडली को इसमें एक एक करके कोट कर लेंगे इस मसाले में और बस अपनी इडली सर्विंग के लिए तैयार है। सादी इडली तो हम रोज ही खाते हैं, इस तरह की मसालेदार चटपटी इडली बनाकर खाएं और देखें कितनी अच्छी लगती है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और फिर अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।